अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्लाह का करम और फजल है कि सब लोग ठीक है। आज है जी हमारा हॉलीडे, छुट्टी है। क्यों? क्योंकि मलेशिया में चाइनीज़ न्यू ईयर है। मेरे ख्याल का ओवरऑल ही न्यू ईयर होगा चाइनीज़ का, जहाँ जहाँ लोग चाइनीज़ रहते हैं। मलेशिया में भी 50% चाइनीज़ लोग रहते हैं। सो यहाँ पे हमें छुट्टी है कंपनी से, तो सब लोग घर में हैं। अभी अभी सब लोग उठे हैं, टाइम हो चुका है मेरा ख्याल है 11 का। अभी उठा हूँ तो मुझे भी कोई चीज़ें काटने की आवाज़ें आ रही हैं, और पता चला कि कोई आज हमें बिरयानी की दावत दे रहा है। वो किस खुशी में दे रहा है? बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और फिर उससे पूछेंगे कि ये जो दावत है आप किस खुशी में दे रहे हो। और वो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन हमारा दोस्त है, और एक इंडियन हमें दावत दे ये किसी खुशी से कम नहीं है। ये जो लोगों का कंसेप्ट है ना माइंड में कि इंडियन और जो पाकिस्तानी हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सीन सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं, उनकी वजह से ये सीन क्रिएट होता है। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे मलेशिया में या किसी और कंट्री में, जब मैं दुबई में था वहाँ पर, जब मैं चाइना में था तब भी हमारे साथ इंडियन लोग थे, और हमारा जो आपस में सलूक था वो बहुत ही अच्छा था। खान पीन था, एक दूसरे के साथ घूमते थे, गप्पे मारते थे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं था। ये जो भी सीन है लड़ाई वाला, ये कुछ लोग होते हैं इंतहा पसंद, उनकी वजह से जस्ट क्रिएट होता है। अदरवाइज़ ये सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते हैं और अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। और ये जो हमारा दोस्त है इंडियन शहबाज, इसका नाम है, ये भी बहुत अच्छा लड़का है। तो हम लोग बोलेंगे क्या ये इंडियन है तो उसके साथ हम लोग नहीं बैठेंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है और उसके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट है। एक दूसरे के इमोशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इस बात को छोड़ें, अभी हम ये ज्ञान की बातें नहीं करेंगे और अपना जो काम है वो करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या सीन चल रहा है और क्या सीन नहीं है। तो ये सब अभी रेस्ट फरमा रहे हैं, अभी ये उठेंगे और फिर उनको बोलते हैं कि चलो आप भी अपने काम पर लगो, काटो कोई चीज़ें। अभी दूसरा कसाई भी तशरीफ ले आया है, पहले वाला कसाई तो बहुत मुश्किल में लग रहा है। पकड़ो पकड़ो, शाबाश, जब सस्ते में काम करो तो ऐसा ही होता है। मैं आपको इसलिए बोला था उधर से ना लाओ, ये काट के नहीं देते। शाबाश शाबाश, अभी दो और पड़ा हुआ, मैं तो अपना काम करूंगा आराम से। अभी खाना खा रहे थे सब लोगों ने, खाना खा लिया, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। और साथ ही साथ ने डिसाइड किया कि चलो यार छुट्टी है क्यों ना थोड़ी आउटिंग हो जाए। सो आउटिंग करने के लिए हमने सोचा कि चलते हैं बीच पे, जो कि हमारे घर से तकरीबन ऑलमोस्ट एक घंटे का सफ़र है। तो चलते हैं बीच पे और थोड़ा सा नहाते हैं, फ्रेशमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ की जो बीच है वो दुबई के लेवल की नहीं है, जस्ट नॉर्मल बीच है। वहाँ पे आउटिंग के लिए ठीक है क्योंकि ये एक इस्लामी कंट्री है। तो अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो ईद भी है मेरे साथ, और अजहर है, और कौन है, फोरमैन भी है, और हमारा जो इंडियन दोस्त है शहबाज वो भी है। ओके जी, फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बीच पे, गाड़ी पार्किंग कर दी है। अभी चलते हैं जो मेन जगह है जहाँ पे लोग नहाते हैं, उधर चलते हैं अभी। ये है जी हमारा दोस्त इंडियन शहबाज, सलाम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दोस्त है इंडियन शहबाज, बहुत अच्छे आदमी है। तो इसने आज हमें दावत दी है, सो इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी इससे पूछेंगे इसने दावत हमें क्यों दी है। परमिट की खुशी में, मेरा भाई परमिट लग गया ना, परमिट की खुशी में मैं दावत दिया सब मेरा पाकिस्तानी दोस्तों भाइयों को, और सबको दावत खिलाया। मैं बिरयानी बनाया और मैं लाके दे दिया, लेकिन बिरयानी बनाई है भाई ने, बड़े भाई ने। ओके जी, बहुत शुक्रिया। इसका परमिट लगा, वर्क परमिट, तो इसलिए इसने हमें सबको आज बिरयानी खिलाई है। आज चाइनीज़ न्यू ईयर है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा रश है इधर। जब हम लोग पहले आए थे तब इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं। Get the
ਰੌਣ ਕਿਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ जी। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है बीच पे, लेकिन हम लोग नहाए नहीं हैं क्योंकि दिल नहीं कर रहा था नहाने को और हमारे पास टाइम भी थोड़ा था, हमने वापस जाना है, सो इसलिए अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं क्योंकि हमारा 1.5-2 घंटे का सफ़र है, तो इसलिए काफ़ी लेट हो जाएगी। 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो अभी हमें जाना होगा वापस, तो फिर इंशाल्लाह कभी आएँगे दिसारू बीच में, क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तो इन्हें भी आज इन्जॉय किया, ये पहली दफ़ा आया जब मलेशिया में आया, पहली दफ़ा आया, मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, तो लेकिन अभी हमें जाना होगा वापस, तो फिर इंशाल्लाह कभी आएंगे और इंटरटेनमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे। अभी पहुंचे हैं जी घर, कैसा मज़ा आया बीच पे? बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया, इससे ज़्यादा आप तो बहुत ज़्यादा नहाए हो। बहुत नहाया मैं, गुसल किया बहुत ज़्यादा, और मैं मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तुम्हें मज़ा आया? नहीं आया, नहाए। अभी सब लोग थक चुके हैं और बोलते हैं कि KFC हो जाए, तो इसलिए हम पहुँचे अभी शॉपिंग मॉल में, देखते हैं कि KFC वाले हमें उधर बैठ के खाने देते हैं या वो बोलेंगे कि आप पैक करवा के साथ लेके जाओ। अभी चलते हैं अंदर, ऑर्डर करते हैं और पूछते हैं उनसे क्या सीन है। अभी पहुंच चुके हैं हम शॉपिंग मॉल में, तो अंदर चलते हैं और पूछते हैं। अभी यहाँ पे जी बहुत पंगा है, ये देखें वो स्कैनर लगा सामने, उस पर सारा आदमी स्कैन होगा, उसके बाद आगे जा के फिर करना होगा। क्या यार ये पंगा, बहुत ज़्यादा पंगा है। अगर मैं निकलता होगा, अभी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते हैं जी। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, इंटरटेनमेंट करो, घूमो फिरो, नाचो गाओ। अभी सब लोग शर्मा रहे हैं यार, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं, चिल मारो। कैसी यार जलालत हो रही है, हमें KFC नहीं मिल रही यार, क्या बात है बोनस की, क्या बात है बोनस की, KFC नहीं मिल रही। अभी सबसे ऊपर आ गए हैं टॉप फ्लोर पे, इधर सर्च करते हैं, अगर ना मिली तो फिर वापसी होगी। ये चेस खेलो, चेस, बहुत बड़ा चेस का टेबल लगा हुआ है, क्या बात है बच्चों। इधर रख, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। बाहर निकलो इधर, इधर आओ, उधर सामने KFC। अभी हमें KFC नहीं मिल रही, तो ये जवान जो है ये मैप के ऊपर KFC ढूंढ रहा है, और पता नहीं देखो ये कामयाब होता है या नहीं। अभी KFC ये लेवल 2 है, लेवल 2 यहाँ पे होगा ईटिंग, सर्च KFC भाई, टेक्निक है, टेक्निक है। ये देखो KFC मलेशिया, अभी ये आपको पूरा मैप दिखा देगा कि आप किधर से किधर जाएंगे। ये है 2 मिनट 45 सेकंड आप चलोगे, ये हाँ वो वाली है, देखा भाई आजकल की टेक्नोलॉजी फुल फास्ट है। अगर आप अंधे हो तो थोड़ा सा क्लोज भी कर सकते हो जूम, अगर आपकी ऐनक वगैरह नहीं लगी तो फिर दूरी ठीक है। तो चलो बस ठीक है, अभी पैसे पूरे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, फुल टाइम रोन के। ओके जी, KFC वगैरह सब कुछ खा लिया है और अभी हम हैं बिल्कुल फ्री, घूम भी लिया, सारा कुछ कर लिया, इंटरटेनमेंट कर लिया। अभी हमें जाना होगा घर क्योंकि टाइम हो चुका है 6 का, तो अभी कुछ दोस्त आए हैं घर, हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ जाकर गपशप लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए, तो आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।